पिपराइस थाना क्षेत्र के पादरी बाजार के लाल टोला में प्रेमिका से मिलने के प्रेमी को लड़की के घर वालों द्वारा पेड़ में उल्टा लटकाकर पीट पीट कर मार डालने का आरोप है। प्रेमिका की सूचना पर पहुंची यूपी 100 डायल की पुलिस उसे पेड़ से खोलकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तनाव को देखते हुए एहतियातन चार थानों की फोर्स के अलावा पीएससी भी लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने युवती के माता पिता और दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। थाना पिपराइच में एक जो लड़का था वो एक लड़की से मिलने रात के 12-1 बजे के आसपास उसके घर गया था, और इस दौरान जो लड़की के जो घर वाले थे वो उनको पता लगा और उन्होंने उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट की। और मारपीट के बाद किसी ने 100 नंबर पे सूचना की, पुलिस मौके पर गई, उसको हॉस्पिटल भिजवाया तो हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। और जो मृतक है उसके पिता की तरफ से एक तहरीर दी गई है, जिसमें जो लड़की पक्ष है उसके घर वाले और उसके जो दो बेटे हैं और जो लड़की है उसकी जो माँ है उसको नामजद किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको जो जेल है वो भेजा जा रहा है। ऐसा लोग कहा जा रहा है कि सर पेड़ में बांध के उसको मारा गया था, क्या घटना सही है? बात सही है, शुरुआत में उसको इन्होंने जो उसमें डंडे से मारने पीटने के निशान है, और इसके बाद इसमें जो ये बात सत्य है उसमें कि लड़की के माँ बाप और उसके जो दो भाई हैं उनके द्वारा उसको हाथ पैर बांध के पेड़ लटकाया भी गया। और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां से जो उसके पिता हैं उसको गिरफ्तार किया गया, और जो मृतक था जो बाद में मृतक हो गया था उसको पुलिस के द्वारा तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। कुछ वहाँ तनाव की स्थिति है क्या? क्योंकि ये मामला मारपीट के बाद दो अलग अलग समूह के जो ये लड़का और लड़की थे इनके बीच जब ये लड़के पक्ष को मारा पीटा गया तो इसमें पुलिस के द्वारा मौके पर तुरंत ही सुरक्षा का इंतजाम कर लिया गया था, तो वहाँ पर गांव में कोई तनाव की स्थिति नहीं है।